अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में गिरावट लगातार जारी है और आज भी यह सिलसिला कुछ यूं ही रहा। इस कारोबारी हफ्ते के पहले दिन रुपए ने डॉलर के मुकाबले कमजोर शुरुआत की। सोमवार को एक डॉलर के मुकाबले रुपया 26 पैसे की गिरावट के साथ खुला। इस गिरावट के साथ रुपया 73.80 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर खुला। इससे पहले शुक्रवार को रुपया 73.56 के स्तर पर बंद हुआ था। डॉलर की लगातार बढ़ती डिमांड और कच्चे तेल की कीमतों में आ रही बढ़ोतरी का असर रुपए में साफ साफ देखने को मिल रहा है और इस साल रुपए में अभी तक 16% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। पिछले काफी समय में लगातार डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट का सिलसिला जारी है। इसकी वजह से विदेश से आने वाले सामान की कीमतें बढ़ने की आशंका पैदा हो गई है। दूसरी ओर रुपए में कमजोरी आने का असर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के तौर पर भी सामने आ रहा है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के साथ ही रुपए में डॉलर के मुकाबले गिरावट का असर भी ईंधन की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। निखिल कुमार, पंजाब केसरी।